तो व्हाट्सअप गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूँ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं केवल लाइटरूम ऐप की मदद से। तो जो भी भाई आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा, वो भी ना वन क्लिक में भी कुछ इस टाइप की फोटो को एडिट कर लेगा। और मैं 110% लिख के देता हूँ ना कि वीडियो के लास्ट में आप भी सेम ऐसा फोटो को एडिट कर ही लेंगे। तो आप लोग वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप फोटो को एडिट नहीं कर पाएंगे। उससे पहले गाइस हम क्या करेंगे, अपनी गैलरी से ओरिजिनल फोटो को लेंगे और लेने के बाद सिंपल से इसकी शेयर के आइकन पे क्लिक करके और इस वाली फोटो को लाइटरूम के अंदर शेयर कर देंगे। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूं, वहां पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूं। तो व्हाट्सएप गाइस, जैसे ही आप लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली ऑल फोटोज के आइकन पे क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसे आपको एडिट करना है। तो गाइस इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले और आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताने वाला है। तो आप लोग वीडियो को कहीं पर भी अगर स्किप कर देते हैं तो आप फोटो को एडिट नहीं कर पाएंगे। आपका भाई जेन्युइन जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला है। तो सबसे पहले वाले स्टेप में हम लोग साइड में ऐसे स्क्रॉल करेंगे और कर लेने के बाद इसकी लाइट वाले आइकन पे हम लोग क्लिक करके और ऐसे स्क्रॉल करके पूरा नीचे आएंगे। और नीचे आने के बाद सबसे पहले इसकी ब्लैक्स की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके -42 करेंगे। इसकी व्हाइट्स की वैल्यू मैं इंक्रीज करके प्लस साइड में 18% करूंगा। शैडो की वैल्यू मैं इंक्रीज करके प्लस साइड में 33% करके और इसके हाईलाइट की वैल्यू ना मैं ऐसे डिक्रीज करके -100 कर लूंगा। कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 10% कर लूंगा। और ये आप सारी सेटिंग अच्छे तरीके से देखिएगा तभी आप फोटो को एडिट कर पाएंगे। और ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद हम लोग का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा जिसमें हम लोगों ने अपनी फोटो की लाइट को अच्छे तरीके से एडजस्ट किया। और दूसरे स्टेप के अंदर आपका भाई ना कलर को करेक्ट करके एक बेहतरीन सी टोन को क्रिएट करना बताने वाला है। और इसी स्टेप को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके बिना तो कभी आप फोटो को एडिट ही नहीं कर पाएंगे। तो दूसरे स्टेप के लिए सिंपल से हम लोग साइड में ऐसे स्क्रॉल करेंगे और कर लेने के बाद इसकी कलर्स के आइकन पे ऐसे क्लिक करेंगे। और सबसे पहले इसकी टिंट की वैल्यू मैं इंक्रीज करके प्लस साइड में 30% कर लेता हूं और इसकी टेम्प की वैल्यू भी मैं इंक्रीज करके प्लस साइड में 29% कर लेता हूं। वाइब्रेंस की वैल्यू मैं इंक्रीज करके प्लस साइड में 37% कर लूंगा। और ये सारी सेटिंग आप लोग को कर लेने के बाद ऊपर साइड में कोने में ना मिक्स टूल के आइकन पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने बहुत सारे कलर्स नजर आएंगे और इन्हीं कलर का यूज करके आपका भाई टोन को क्रिएट करना बताने वाला। तो यहाँ पे वीडियो को अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करेंगे जो कि हम लोग का फेस वाला कलर होता है। और इसकी सेचुएशन की वैल्यू हम लोग डिक्रीज करके -41 कर देंगे। लिमिनेंस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 22% कर देंगे। इसके बाद आपको येलो कलर को सिलेक्ट करना होगा और इसकी लिमिनेंस की वैल्यू आपको ऐसे डिक्रीज करके -33 करना होगा। सेचुएशन की वैल्यू आपको ऐसे डिक्रीज करके -58 करना होगा। और इसकी ह्यू की वैल्यू आप डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा। और इसके बाद आपको ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके इसकी सेचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा। ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100, लिमिनेंस की वैल्यू भी डिक्रीज करके -29 कर दीजिएगा। एक्वा ब्लू कलर को सिलेक्ट करके सेचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100, ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे इसकी भी सेचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 क्लिक करके डन क्लिक कर देंगे। और ये सारी सेटिंग आप जैसे ही कीजिएगा तो आपकी फोटो के अंदर ब्लू टोन ब्राउन टोन तो काफी अच्छी सी आ चुकी है, लेकिन गाइस यहाँ पे कुछ कमियां हैं। जैसे कि गाइस कलर ग्रेडिंग कैसे किया जाता है, तो उसके लिए मिक्स टूल के बगल में हम लोग ग्रेडिंग के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग के सामने बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। शैडो के ऑप्शन में आके आप ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आइएगा और सबसे पहले इसकी लिमिनेंस की वैल्यू आप ऐसे डिक्रीज कीजिएगा, डिक्रीज करके -47 करके ब्लेंडिंग की वैल्यू 100% कीजिएगा, बैलेंस को इंक्रीज करके प्लस साइड में 34% कर लीजिएगा। और वीडियो को अगर आप स्किप कर देते हैं तो आप फोटो को एडिट नहीं कर पाएंगे। सिंपल से आप लोग को यहाँ पे मिड टोन में आना होगा और अपने फिंगर से पकड़ के स्क्रॉल करके ऐसे ब्लू साइड में आके और इसकी ह्यू की वैल्यू 226 रखिएगा, सिचुएशन को 36% रखिएगा और सिंपली हाईलाइट वाले सेक्शन में आके और अपने फिंगर से पकड़ के कुछ इस टाइप से इसे ना ब्लू साइड में कर दीजिएगा। और ब्लू साइड में इसकी ह्यू की वैल्यू 225 रखिएगा और सिचुएशन को 27% रख के और डन क्लिक कर दीजिएगा। और डन क्लिक कर लेने के बाद हम लोग का दो स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो तीसरे स्टेप के अंदर आपका भाई ये करेगा कि फोटो के अंदर डिटेल्स को ऐड करेगा। तो उसके लिए सिंपली हम लोग क्या
क्या करेंगे, इफेक्ट के आइकन पे आके इसकी बिगिनेट की वैल्यू ना हम लोग डिक्रीज करके -37 कर देंगे, मिड पॉइंट की वैल्यू भी कम करके इसे भी हम लोग 32% कर देंगे। और ये सारी सेटिंग आप जैसे ही कीजिएगा तो कंप्लीट एडिटिंग हम लोग का हो जाएगा, जो कि देखने में काफी ऑसम सी लग रही है। तो इस टाइप की फोटो को अगर आप वन क्लिक में एडिट करना चाहते हैं तो मैं इस फोटो का प्रीसेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो इजिली जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और फोटो को सेव करने के लिए शेयर के आइकन पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा।